अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, आज की इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ जमानिया घाट अर्थात बलुआ घाट, तो आज मैं इसका सैर कराऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ के दृश्य की कैसा है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है दोस्तों, आपको दिल पर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं नीचे था अभी यहाँ पर पानी में, ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ही भयानक रूप में दिखाई दे रहा है हम लोगों को। गंगा नदी बहुत ही दुर्धर है, अब यहाँ पर आ चुका है। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ, ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, देखिए आप यहाँ पर लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए भाई लोग यहाँ पर आए हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सुबह और शाम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। जी हाँ दोस्तों, सुबह में तो उतना नहीं होता है लेकिन शाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जब कभी भी जमाने या कस्बा में आते हैं, मार्केट में आते हैं मार्केट करने, तो यहाँ पर एक बार ज़रूरी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फीलिंग होती है यहाँ पर आने के बाद, घूमने में मज़ा भी आता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है नज़ारा। तो यहाँ पर डेली लोग यहाँ पर साइकिल, स्केटिंग और क्रिकेट, बहुत सारे लोग यहाँ पर खेलते हैं, स्केटिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ पर। अभी तो कुछ भी, अगर कोई भी पर्व होता है जैसे कि गंगा दशहरा, डाला छठ, कुछ भी हो, तो यहाँ पर बहुत ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर हमेशा भीड़ ही रहता है, हर एक फंक्शन, हर एक पर्व पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जुआ ताश खेला जा रहा है, देख लीजिए जुआ ताश खेल रहे हैं। और मैं बता दूँ, ये देखिए पोस्टर पे जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पोस्टर बनाया गया है, देखिए यहाँ पर, जो कि ये यमदग्नी महर्षि का है, जो कि यहाँ पर इनका आश्रम था, ठीक है दोस्तों, और उनके पुत्र भगवान परशुराम भी यहीं पे थे, ठीक है। तो उनके जो कि यहाँ पर स्थापना हरपुर में किया गया है, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर मंदिर बनाया गया है, ठीक है, और भगवान परशुराम का मंदिर हरपुर में बनाया गया है, और जाकर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इतिहास में भी नाम है। शायद मैं एक बार वीडियो में अपलोड किया हूँ, ठीक है, वीडियो में इनका अपलोड किया हूँ इनके बारे में, जो कि गाजीपुर के बारे में पढ़ाया गया, गाजीपुर के अंदर जमानिया में, जमानिया क्षेत्र हरपुर में भगवान परशुराम का मंदिर है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें जो कि किताबें पढ़ाया जाता है वो सर पढ़ा रहे थे, तो मैंने अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे आप देखिए, यहाँ पर टेंट वेंट लगा हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो कांवड़ यात्रा जो कि डेली चलते हैं रविवार को, तो कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ पर जो कि बनाया गया है, ये टेंट लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारा मॉल का यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है, इसे चेंजिंग रूम बना दिया गया है, जो कि कोई भी यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज़ कोई भी है, मतलब यहाँ पर स्नान करने के बाद वो अपना कपड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसीलिए वो बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं यहाँ का नज़ारा, काफ़ी अच्छा फीलिंग होता है यहाँ पर आने के बाद, हम लोग इसके पानी और ये नदी देखकर इंस्पायर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम भी चलेंगे इस जहाज़ पे, जहाज़ नहीं बोला जाएगा, इसे स्टेशन ही बोला जाएगा, आई डोंट नो कि स्टेशन ही है शायद, यहाँ पर लोग आते हैं, इस पर बैठते हैं, देखते हैं और नदी का आनंद लेते हैं। यहाँ पर नदी देखते हैं, गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और पूरे विश्व में इसका नाम है, तो अर्थात हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग इस जमानिया में जन्म लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लोग क्लिक करवाते हैं फ़ोटो वोटो, तो आप लोग देख सकते हैं मैं अब फिर आ चुका हूँ अपने फ्रंट कैमरे के साथ, तो काफ़ी बेहद नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या बताएं दोस्तों। चलिए तो ये देख लीजिए आपकी गंगा नदी कितना तेज़ बढ़ रही है, देख रहे हैं आप दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा तेज़ यहाँ पर गंगा नदी का बहाव है और पानी बहुत ही तेज़ चल रहा है। ये जलकुंभी आपको हरे हरे दिखाई दे रहे होंगे, तो ये जलकुंभी है दोस्तों, जो कि ये गढ़ही में होता है, ठीक है, तो वहाँ जब गढ़ही भरता है तो ये सब नदियों में चला जाता है, इसी तरह नदियों में बहकर ये आर्यन सब जगह लग जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये है नाव और इसमें कूदेंगे भैया हम, है ना, एकदम ईचन गलती कर भी नहीं करेंगे, काहे के कूदेंगे मन, हाँ देख रहे हैं इतना पानी है, सीढ़ी है जो ये सब आप दिखाई दे रहा है आपको, इधर सीढ़ी है, ये जहाँ लगा है यहाँ तक सीढ़ी था शायद, तो लेकिन बाढ़ की वजह से सब डूब गया है, काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी मंदिर है, ठीक है, साईनाथ मंदिर का है, शिवा समिति का है, और यहीं पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो कि
लाशों को यहाँ पर दफन किया जाता है सॉरी गाइस यहाँ पर जलाया जाता है ठीक है। और ये लकड़ी उसी के लिए रखा गया है, यहाँ पर टाल बना दिया गया है कि यहाँ पर बिक्री होती है ठीक है, कब लकड़ी को बिक्री होती है। और इधर देखिए आप लोग और आगे लेकर चलता हूँ, ये मंदिर है और मंदिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत बनाया गया है, साईनाथ मंदिर है शिवा समिति का ठीक है। आगे मैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों यहीं पर जिम भी है, जी हाँ दोस्तों जिम सेंटर भी है, यहाँ पर लोग आकर जिम करते हैं। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आगे जो पीला पीला दिखा जो शौचालय था और आपको मैं दिखा दूँ इधर देखिए ये जिम है ठीक है दोस्तों, देख लीजिए लिब्रा फिटनेस सेंटर मोहल्ला सैयदबाड़ा, तो सैयदबाड़ा में ये पड़ता है ठीक है। ये जिम सेंटर है यहीं पर लोग की यहाँ पर जमनिया गंगा घाट के पास में ही है, जो ये मंदिर है आपको साईनाथ मंदिर दिखाई दे रही है यहीं पर है, तो आप लोग आ सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि लाशों को जलाया जाता है, ये जलाने के लिए एक स्थान बनाया गया है। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैठने के लिए भी बनाया गया है कि लोग आते हैं तो यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं ठीक है। और ये देखिए सामुदायिक शौचालय बनाया गया है नगर पालिका की तरफ से, देख सकते हैं आप नगर पालिका की तरफ से ये सामुदायिक शौचालय बनाया गया है कि कोई मतलब किसी को भी कुछ हो जाता है तो इसमें लैटरिन वैटरिन कर सकता है ठीक है, बात को समझिए। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं कितना काफ़ी यहाँ पर था, आप बाढ़ देखिए यहाँ पर भी आ चुका है पूरा, देख लीजिए पानी आ चुका है जहाँ पर लाश जलाया जाता था ये इस घर में, यहाँ पर भी पानी आ चुका है। तो चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।